और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आरजीएस भर्ती 2018 मुख्य परीक्षा स्थगित और 27-28 जुलाई को आयोजित होनी थी ये परीक्षा, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद की गई है परीक्षा स्थगित और हाईकोर्ट प्रशासन ने जारी की है सूचना। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निजाम कटालिया जुड़े हुए। निजाम, फिलहाल भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है, क्या कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से? देखिए, आरजीएस भर्ती 2018 के अंदर 197 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसमें करीब 3000 लोगों को अभी हाल ही में जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी उसके लिए रिजल्ट जारी किया गया था और 3000 के करीब लोग चुने गए थे। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ था जब इसमें 17 प्रश्नों को विवादित माना गया था और उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में जब चुनौती दी गई, हाईकोर्ट ने एक प्रश्न, 17 में से एक प्रश्न को गलत माना और उसको डिलीट करके नई कट ऑफ जारी करने के आदेश दिए थे। और इसके साथ ही ये आदेश दिया था कि नई कट ऑफ में जो भी लोग शामिल होते हैं उनको मुख्य परीक्षा में शामिल कर लिया जाए, लेकिन जो पुराने अगर कोई अलग होता है या बाहर होने की स्थिति में उनको किसी को भी छेड़ा नहीं जाए। कहने का मतलब ये है कि जो जितने लोग पहले प्रारंभिक परीक्षा से पास हो चुके थे वो पास ही रहेंगे और नए लोग इसमें शामिल होंगे। ऐसी स्थिति में चूंकि अब नई कट ऑफ जारी करनी थी इसके लिए समय लगता और इसी की वजह से ये मुख्य परीक्षा 27-28 जुलाई को जो होने वाली थी उसको स्थगित किया गया, क्योंकि जो नए लोग शामिल होंगे उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता और फिर लिटिगेशन में आता ये मामला। इससे पहले ही हाईकोर्ट प्रशासन ने खुद ने ही ये निर्णय लिया और इसको पोस्टपोन कर दिया है। जी, चलिए, शुक्रिया अपन निजाम इस जानकारी के लिए। तो 27 और 28 जुलाई को आयोजित होनी थी ये परीक्षा, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। हाईकोर्ट प्रशासन ने इसको लेकर सूचना भी जारी कर दी है। आरजीएस भर्ती 2018 की जो परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया है हाईकोर्ट के फैसले के बाद। आगे बढ़ते हैं।